महा ऊंचे भाग हैं जिन्होंने गुरु का ध्यान जो है अपने मस्तक पर बिठा रखा है, हर वक्त ध्यान में लीन रहते हैं, काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो मूरत भूल के नहीं देती, मूरत भूल के नहीं देती, वो चांद जैसा मुखड़ा सतगुरु का चेहरा सामने बना ही रहता है। कितने ऊंचे भाग हैं उन लोगों के। ये प्रेम भक्ति का मार्ग है, ये समर्पण का मार्ग है। और समर्पण में तो बस बस एक ही, सारे संसार से तोड़ी, बस एक के साथ जोड़ी, और ऐसा प्रीत का रिश्ता जोड़ा कि बस मोह लालन सो प्रीत बनी, बस ऐसी प्रीत बनी कि अब टूटे नहीं टूटती। ऐसा दिल के अंदर प्यार बनता है कि रोम रोम गुरु पर कुर्बान जाता है। मेरे सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, उर अंतर की सब कहूं घट भीतर की बात। मेरे दिल के अंदर जो चल रहा है ना, जब सामने आएंगे तो अपने सारे दिल की बात कहूंगा मैं। गुरुदेव मिलेंगे तो ये कहूंगा, गुरुदेव मिलेंगे तो वो कहूंगा, ऐसे मिलूंगा, वैसे मिलूंगा। ये साकार की भक्ति है, ये साकार की भक्ति है। इसी तरह निराकार की भक्ति है ज्ञान मार्ग, वो आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, वो आप करते हैं, हम सब बताते हैं, ज्ञान ध्यान वो सब तो चलता रहता है, हम बताते ही हैं। तो ज्ञान और ध्यान का जो ये रास्ता, ये जो कॉम्बिनेशन समझना, ज्ञान अपनी जगह पर, संसार वो आत्मा के साथ कनेक्ट होना, लेकिन यहां सतगुरु ही हमारी आत्मा बनकर बैठे हैं। एक सेवक का मन तो ये बोलता है कि भीतर जो बैठे सतगुरु शिष्य की आत्मा और शिष्य सतगुरु की देह, सतगुरु शिष्य की आत्मा, जैसे हमारी आत्मा सतगुरु बनकर बैठे हुए, सतगुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सतगुरु की देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। अगर उस अलख पुरुष को देखना पड़ता है ना, देखना चाहता है, वो जो नहीं दिखता किसी को, वो इसी रूप में देख ले, इसी रूप में देख ले कि जो शिष्य है, धीरे धीरे आप पाएंगे, अगर आप सचमुच आपने जीवन में गुरु से प्यार किया है, तो शिष्य भी प्रेम करता 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 उसी का रूप होता जाता है, उसी का रूप होता चला जाता है। मुझमें समाजा इस तरह तन प्राण का जो तोर है, जिसमें ना कोई कह सके मैं और हूं तू और है, जिसमें कोई कह ना सके कि मैं और हूं और तू और है। कनेक्ट हो जाए, बड़े दिल से कनेक्ट हो जाए, इस तरीके से समा जाए अपने प्रियतम भगवान के अंदर कि कोई दूसरा बचे ही ना।